हेलो मर्चेंट साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब फिनो पेमेंट्स बैंक में इस तरीके का एरर आएगा आपको, जब ना ही गूगल पे पेटीएम कुछ भी वर्क नहीं करेगा और कस्टमर पहले से भविष्य में अकाउंट ओपन करा चुके हैं, उसके बाद उनका अकाउंट से 60 पॉइंट से भी ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है। इस केस में उनके अकाउंट में माइनर टू मेजर का KYC रिक्वायरमेंट लग जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब फिनो पेमेंट्स बैंक में जो भी वो आ रहे ग्राहक वो खाता खुलाए थे, उस वक्त भविष्य भी अकाउंट यानी माइनर अकाउंट खुला था, उस वक्त उनका माइनर अकाउंट खुला था। और अब वो जो कस्टमर आया हुआ है आपके पास, वो कम्प्लीटली से जो है सो पूरे तरीके से 18 साल इनका कम्प्लीट हो चुका है, तो अब 18 साल के बाद उनका KYC करना मैंडेटरी हो जाता है, जिस कारण से उनका माइनर टू मेजर का KYC रिक्वायरमेंट लग जाता है। तो इस वीडियो में देखने वाले कि कैसे हम माइनर टू मेजर का KYC कम्प्लीट करेंगे और फिर से पुनः फिनो पेमेंट बैंक से खाता संचालित चालू हो जाएगा। बने रहे इस वीडियो के लास्ट। जिस भी कस्टमर का माइनर टू मेजर अकाउंट का रिक्वायर्ड KYC लगा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर डाल के आप सर्च वाली आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च वाली आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइप में माइनर टर्म्स मेजर री KYC रिक्वायर्ड ऑप्शन मिलेंगे। आपको सिंपली ओके वाले आइकन पे यहाँ पे ओके में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे eKYC सेल्फ ऑथेंटिकेशन पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पे कस्टमर का ऑलरेडी आधार संख्या फिलअप रहेगा और आपको यहाँ पे आखिरी के 4 अंक दिखेंगे। ठीक है, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे आगे कस्टमर का फिंगरप्रिंट्स ऑथेंटिकेशन लेंगे। यहाँ पे ग्राहक को अपना फिंगरप्रिंट्स रखने के लिए बोलेंगे, फिंगर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फिंगरप्रिंट्स कस्टमर के यहाँ पे कैप्चर आपको कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं हम मंत्र के साथ अटैच करते हुए ग्राहक का फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर हो जाने के बाद, अभी इनका बायोमेट्रिक नहीं उठाया फिंगर, तो हम फिर से दोबारा प्रयास करेंगे। कस्टमर का ऑथेंटिकेशन लेने के बाद सक्सेसफुली जब उनका फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर लिया जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे इस तरीके का जो है सो देखने को मिलेंगे। सेल्फ eKYC में आपको यहाँ पे उनके पुराने फुटेज जो आधार eKYC के वक्त पहले लिया गया था वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कस्टमर का लाइव फुटेज कैप्चर कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट चलिए हम अभी इनका लाइव फुटेज कैप्चर कर लेते हैं। इस तरीके से आपको ग्रह का यहाँ पे पंकज त्रिपाठी आ रहा, थोड़ा इधर आ जाओ। इस तरीके से ग्रह का जो है सो लाइव फुटेज आपको ले लेना है, और जैसे आप ग्रह का लाइव फुटेज लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ओके डन। डन करने के बाद ग्रह का जो है सो लाइव फुटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जब अब यहाँ पे ग्रह का लाइव फुटेज और ओल्ड फुटेज यानी पुराना तस्वीर और नया तस्वीर दोनों आ चुका है। ठीक है, सिंपली अब यहाँ पे हम इनका टाइटल सेलेक्ट करेंगे। अभी ये जो है सो मिस्टर है, मिस्टर में ही। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नेम मिडिल नेम इनका ऑलरेडी फिलअप रहेगा और डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी फिलअप रहेगा, जेंडर भी फिलअप है यहाँ पे। ठीक है, मेलिंग एड्रेस में हम यहाँ पे मेलिंग एड्रेस का चयन करेंगे, क्या अभी तक के इनका मेलिंग एड्रेस वही है जो एस पर आधार है, तो हम अभी एस पर आधार पे क्लिक करेंगे। एस पर आधार पे जो इनका आधार कार्ड में एड्रेस है वो ऑटोमेटिक मेलिंग एड्रेस पे आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए हम यहाँ पे इनका जो है सो ब्लॉक और सेंटर का चयन करेंगे। ठीक है, तो इनका ब्लॉक गांवा पड़ता है, हम गांवा चयन करेंगे। उसके बाद सेंटर जो है सो इनका गडगी खरसान है, तो हम ड्रॉप डाउन से इनका विलेज का नेम, सेंटर में आपको विलेज का नेम, सेंटर में आपको विलेज का नाम का चयन करना। ठीक है, तो गडगी डाल देने के बाद आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन फॉर re-KYC ऑफ माई अकाउंट विथ फिनो पेमेंट बैंक, जो आपको ये चेकबॉक्स देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करते ही सारा टर्म कंडीशन आ जाएगा, आई एग्री। ठीक है, एग्री करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट वाली आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर ग्राहक का फॉर्म 60 और पैन कार्ड इनकम टैक्स डिटेल्स खुल करके ओपन आ जाएंगे। यहाँ से आप अपना इनकम डिटेल्स, पैन कार्ड है तो पैन डिटेल्स, अदरवाइज फॉर्म 60 फिलअप कर लेना है। तो अभी इनके पास पैन कार्ड नहीं है और ना ही पैन कार्ड अप्लाई किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है सो फॉर्म 60 फिलअप कर लेते हैं। फॉर्म 60 कुछ नहीं है दोस्तों, ऑलरेडी पहले से सब कुछ फिलअप रहता है, सिर्फ हमें नॉर्मली कुछ जानकारी को यहाँ पे इंटर करना पड़ता है, जैसे कि टैक्स डिटेल्स।
टैक्स डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि आपने पैन कार्ड अप्लाई किए हैं या नहीं। अगर किए हैं तो एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ एप्लीकेशन का डालना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे जो है सो नो कर देते हैं। उस नो करने के बाद हमसे यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर इनकम और अदर एग्रीकल्चर इनकम पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे सिंपली सो टाइप कर देते हैं, एग्रीकल्चर इनकम 100 और अदर इनकम 1000। इस तरीके से आप रेंडमली कुछ भी अमाउंट 100 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। पे ऑफ अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन आज जिस दिन आप ये रिकेवाईसी कर रहे हैं उस दिन का डेट सेलेक्ट कर लेना, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक भी सेव रहेगा। इन केस द ट्रांजेक्शन इन द जॉइंट नेम नंबर ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, आप चाहें तो यहाँ पे एडिशनल इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। इनकेस अगर आपका ट्रांजेक्शन जॉइन नेम पे है तो, अदरवाइज खाली छोड़ करके आप जो है सो सिंपली नेक्स्ट ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका जो है सो पैन डिटेल्स फिल हो चुका है, फॉर्म 60 टर्म कंडीशन को हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। टर्म कंडीशन पे एक्सेप्ट करने के बाद फिर हमें नीचे आकर के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जब इनका माइनर अकाउंट खुल रहा था, भविष्य सेविंग अकाउंट, उस वक्त इनका 10वां फिंगरप्रिंट्स यानी 10th फिंगरप्रिंट्स नहीं लगे थे, लेकिन अब शुभ सेविंग अकाउंट में जब इनका रिकेवाईसी 18 प्लस खाता खुल रहा है तो इनका 10वां उंगलियों के छाप देना अनिवार्य है। तो हम एक एक करके ग्राहक का सभी उंगली का छाप फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर लेते हैं। राइट हैंड का सक्सेसफुली जो है सो हमारे यहाँ पे कैप्चर हो चुके हैं, ठीक है। जब आपने यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे तो देख सकते हैं सारा का सारा कलर जो है सो आपको ग्रीन में देखने को मिलेंगे, ग्रीन यानी ओके है, ठीक है। रेड आएगा तो उसे फिर से कैप्चर करना पड़ता है। अब हम चलिए यहाँ पे राइट का कैप्चर कर लेते हैं, लेफ्ट का, सॉरी दोस्तों राइट का हो चुका है, लेफ्ट का कैप्चर करते हैं। यहाँ पे लगा अंगूठा, हाँ अंगूठा लगा, चालू कर। सक्सेसफुली 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करने के बाद आप लास्ट टाइम लास्ट ऑप्शन में है ऑथेंटिकेशन में, यहाँ पे ग्राहक का आधार ऑथेंटिकेशन लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे भी इनका कैप्चर कर लेना है आपको। फिंगरप्रिंट्स कैप्चर हो जाने के बाद सिंपली आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुरंत आपको जो है सो स्क्रीन पे दिख जाएगा कि प्रिय मर्चेंट आपका ईकेवाईसी सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है, और स्क्रीन पे जो है सो आपका लाइव फुटेज और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और बाकी अधिक जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर में टिक होएगा और आपको यहाँ पे ईकेवाईसी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबसे नीचे आपको सबमिट वाले बटन भी है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और मेजर टू कन्वर्ट हो जाएगा। पेमेंट्स बैंक, आपका लोकल नेशनल बैंक हमेशा।